कैसे हो मेरे भाई। तो आज है डे 196 मेरे ब्रह्मचर्य जीवन का। और देखो, जैसे ही आपने 120 डेज कंप्लीट किए, आपका लेवल 4 स्टार्ट हो जाता है ब्रह्मचर्य पालन का, जो कि रहता है 150 डेज तक। अब जरा ध्यान से समझना मेरी इस बात को। स्वामी शिवानंद अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य में दो टाइप के ब्रह्मचारी बताते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो फिजिकल ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं। जैसे पहलवान को आपने देखा होगा, वो लंगोट पहनते हैं, अश्लील चीजों से दूर रह के अपनी पहलवानी की तैयारी करते हैं, और जो इनकी एक्सरसाइज होती है उसे हमें हिंदी में व्यायाम कहते हैं, और वही उनकी ट्रांसमुटेशन टेक्निक होती है। और दूसरे टाइप के जो ब्रह्मचारी होते हैं, वो मेंटल लेवल पे ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनि। इनका जो तरीका होता है वो होता है मेडिटेशन या फिर जप से ये ब्रह्मचर्य अपना फॉलो करते हैं। अब जरा फिजिकल और मेंटल लेवल का जो ब्रह्मचर्य होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक पहलवान अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करता है अपनी बॉडी को मजबूत बनाने में, पर वो दिमाग से एक ऋषि मुनि की तरह दिमागदार नहीं हो सकता, क्योंकि ऋषि मुनि अपनी काम ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में जमा कर लेते हैं ओजस शक्ति के रूप में, जप और ध्यान के जरिए। अब देखो, इन दोनों लोगों ने ब्रह्मचर्य पालन किया, ओके, पर डिफरेंस कितना अलग अलग है एक पहलवान और एक साधु में। ये डिफरेंस होता है आप अपनी एनर्जी को कैसे ऊपर चढ़ाते हो, उसे कैसे ट्रांसम्यूट करते हो। ट्रांसम्यूटेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे व्यायाम, योगा, जप, ध्यान, प्राणायाम। इन सब में आपकी एनर्जी जहां ज्यादा लगेगी वहां आप ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। लेवल 3 से मैंने आपको कंपलसरी किया था कि आपको एक्सरसाइज और मेडिटेशन, क्योंकि जो ऊर्जा आपने स्टोर करके रखी है उस ऊर्जा को अब ट्रांसम्यूट करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप अपना ध्यान पढ़ाई करने पे लगाओगे वीर रक्षा के साथ, तो आप स्टडी में बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओगे। अगर आप जिम में मेहनत करोगे वीर रक्षा के साथ, तो आपकी बॉडी कमाल की बनेगी। और अगर आप अपना ध्यान पैसे कमाने पे लगाओगे वीर रक्षा के साथ, तो आप अमीर भी बनोगे। तो ये सारे तरीके हैं एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने के। और देखो, हमारे लिए हमारा शरीर और दिमाग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपना फोकस फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन पे रखना ही है, पर साथ में जिस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो उस चीज में अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके मेरे भाई। अब देखो, लेवल 1 और लेवल 2 में मैंने आपको वीर रक्षा करना सिखाया, लेवल 3 पे आपको मेडिटेशन और एक्सरसाइज सिखाया, और लेवल 4 में मैंने आपको ट्रांसम्यूटेशन करने का तरीका और फिजिकल और मेंटल ब्रह्मचर्य में डिफरेंस समझाया। अब लेवल 4 के बेनिफिट्स और प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब देखो मेरे भाई, जो बेनिफिट्स आपको लेवल 4 पे होंगे वो आपके मेंटल लेवल के बेनिफिट्स स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आपका डिप्रेशन कम होता है, सुसाइडल थॉट्स जिसको आते हैं बहुत ज्यादा वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो माइंड है वो पहले से तेज काम करना चालू करता है। लोगों की बातों का आप पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, समझ लो आप एक कूल डूड बनना स्टार्ट हो जाओगे। जैसे बचपन में आप होते हो ना, तो आपको किसी की बातों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसी एक मेंटेलिटी आपके अंदर आने लगेगी। और देखो, जो आपकी जिंदगी का गोल है उस पे आप अच्छी तरीके से फोकस करना सीख जाओगे। सोशल एंग्जाइटी भी आपका कंट्रोल में रहेगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने लगेगी जो है अट्रैक्शन पावर इंक्रीज होना। अट्रैक्शन पावर का मतलब सिर्फ वुमन अट्रैक्शन नहीं होता है, वुमन अट्रैक्शन तो मिलने ही लगता है लेवल 4 पे, इसमें फंसना नहीं है। ये जो 2021 ईयर है, ये नो रिलैप्स ईयर है। अट्रैक्शन का मतलब मेरा यहाँ है, लोग आपकी तारीफ करना चालू कर देंगे जैसे आपके दोस्त, और ये चीज शायद फेस के ग्लो की वजह से होती है। लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे और ये चीज आपको महसूस होगी। और देखो, एक सबसे खास बात सुनो, एक गलती कभी मत करना। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपका राज क्या है फेस पे ग्लो का, इन सब चीजों का, आपके चेंजमेंट का, आपके फेस पे ग्लो का, तो शेयर कभी मत करना कि आप ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस में हो, वरना पॉसिबल है कि वो आपका मजाक बनाए और फिर आप डीमोटिवेटेड हो। आपकी जो फिजिकल हेल्थ और जो अब मेंटल पावर आप गेन कर रहे हो, इसका सीक्रेट ही रखना, क्योंकि देखो, जब आप अपनी जिंदगी में तरक्की करने लगते हो तो आपसे लोग जलने वाले भी पैदा होते हैं, और इन कैटेगरी के लोगों से आपको दूर रहना है। आपको इनसे फाइट नहीं करनी है, आपको इन्हें इग्नोर करना है, क्योंकि एक रियल ब्रह्मचारी वही होता है जिसका पूरा कंट्रोल होता है अपने सेंस ऑर्गन्स पे। वीर रक्षा तो एनर्जी सेव करना और फिर उसे ट्रांसम्यूट करने का एक जरिया है, जो कि बहुत जरूरी है, ओके। लेवल 4 और लेवल 5 पे कोई खास प्रॉब्लम आपको नहीं होती, पर जो आ सकती हैं वो है नाइटफॉल और अर्जेस। इनका कंट्रोल के लिए आप कोल्ड शावर ले सकते हो, और भी कुछ टेक्निक्स मैंने आपको डे 0 से डे 20 के बीच में बताया है, तो आप उसको समझो। लेवल 4 से आप अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर देते हो। और रूल्स की बात करो तो बहुत सारे रूल्स सेम ही रहेंगे लेवल 4 पे भी, जो आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में फॉलो करने हैं। जैसे डोंट टच योर टूल, एक्सेप्ट जब शावर लेने जाओ तो क्लीनिंग पर्पस से टच करना है, सीधे सोना है जिससे नाइटफॉल कम हो,
होगा। और देखो नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होता ही है, मुझे आज भी होता है। पर सुनो एक खास चीज, जब आप लेवल 5 पे पहुंचोगे ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस में, तब आपका जो नाइटफॉल से एनर्जी लॉस होती है वो बहुत ही कम लेवल पे हो जाएगी, मतलब इतनी मिनिमम लेवल पे हो जाएगी कि आपको अगर नाइटफॉल होता भी है तो आपको एनर्जी में कुछ डाउन खास फील होगा नहीं। ओके, अब थोड़ा जनरल बात करते हैं लेवल 4 को लेके। लेवल 4 हमारा वो लेवल होता है जहां से आप अपनी एनर्जी में जीना स्टार्ट कर देते हो, और यहां से आपका डिप्रेशन एंग्जाइटी डाउन होने लगता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका डिप्रेशन किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टडी ना करने का डर और फिर उसमें फेल होने का डर, ये क्योर तभी होगा जब आप अपने स्टडी पे अपना ध्यान दोगे। या फिर अगर आपको डिप्रेशन किसी एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से आ रहा है, तो उस इंसान से अपनी लाइफ में दूरी बना के रखो। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको पर्टिकुलर किसी चीज की वजह से डिप्रेशन आ रहा हो, और इसका मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया। ओके, लेकिन देखो अगर आपका डिप्रेशन लाइफ में डीमोटिवेशन या गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप की वजह से आ रहा है, तो ये क्योर लेवल 4 तक आपका होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस पाथ पे आपने चलना स्टार्ट कर दिया है वहां किसी लड़की की जरूरत नहीं है। और जब तक आप मैरिज नहीं करते तब तक आपको अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे ही फोकस करना है, और बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से धीरे धीरे हटने लगती हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि लेवल 4 और लेवल 5 जब हमने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद क्या। देखो यार, ब्रह्मचर्य जो प्रोसेस होता है ना, इसमें काफी सारी चीजें और भी होती हैं जो मैंने आपको नहीं बताई हैं। लाइक सिर्फ और सिर्फ सात्विक खाना प्याज लहसुन भी मना होता है, मैंने सिर्फ वेजिटेरियन डाइट के लिए आपको बोला है अभी, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने अभी आपको करने को नहीं एडवाइस दी है। क्योंकि अगर आप देखो तो हम लोग का जो घर पे खाना बनता है उसमें कहीं ना कहीं प्याज और लहसुन वगैरह पड़ता है, तो आप घर पे डायरेक्ट ये तो नहीं बोल सकते हो कि मैं ये सब चीजें नहीं खाऊंगा। और देखो जिसे अखंड ब्रह्मचर्य फॉलो करना होता है ना, उसके लिए प्याज और लहसुन बिल्कुल ही मना रहता है, और ये बात स्वामी शिवानंदा ने अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य में अच्छे समझाई है। और देखो जैसे आपका ये लेवल 4 क्रॉस हो जाता है ना, तो आपको मेंटल बेनिफिट्स काफी हद तक मिल चुके होते हैं। लेवल 5 तो समझ लो आपको सिर्फ एंजॉय करना रहता है अपनी एनर्जीज को, और ये एंजॉयमेंट जो आपको करना है ये अच्छे तरीके से करना है। या तो अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो या अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे लाइफ में तरक्की हो, तुम पैसा अच्छा खासा कमा सको, ठीक है ना। पैसा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसके बारे में मैं कभी और आपसे बात करूंगा। अभी हम लेवल 5 जो होगा हमारा उसमें मैं आपको सारे रूल्स बता दूंगा जो ब्रह्मचर्य के, अखंड ब्रह्मचर्य के होते हैं, ताकि आप उन रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ सको। लेकिन मेरे भाई लेवल 5 को ज्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताऊंगा लेवल 5 पे वो अखंड ब्रह्मचर्य जो फॉलो करते हैं उनके लिए होती है। क्योंकि ब्रह्मचर्य जो पाथ होता है ये प्योरिटी का होता है, ये डिविनिटी का पाथ होता है, जहां पे आप सिर्फ अच्छे काम करते हो, आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ते हो। लेवल 5 पे हम ये सारी बातें डिटेल में करेंगे, और जो सारे रूल्स हैं वो मैं आपको समझा दूंगा लेवल 5 पे। लेकिन लेवल 4 तक जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप पहुंचने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे लोग एडिक्ट रहते हैं जो पहुंच नहीं पाते हैं, और बहुत ही इजी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है इन सब चीजों को, तो इनको फॉलो करना। आज के लिए बस इतना ही था, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, बाकी की बात लेवल 5 पे करेंगे।